ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 45। नारद प्राह मुनये सर्वस्यत्यास्तते नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यवसायामिततेजसे। वर्ड टू वर्ड, नारद, द ग्रेट सेज नारद, प्राह इंस्ट्रक्टेड मुनये एंड टू द ग्रेट सेज सरस्वत्या ऑफ द रिवर सरस्वती तटे ऑन द बैंक नृप ओ किंग ध्यायते unto the meditative Brahma, Absolute Truth, Paramam, the Supreme, Vyasaya, unto Srila Vyasadev, Amita, Unlimited, Tejase, unto the Powerful. Translation. In succession, O King, the great sage Narada instructed Srimad Bhagavatam to the unlimitedly powerful Vyasadev, who meditated in devotional service upon the Supreme Person of Godhead, Absolute Truth, on the bank of the river Saraswati. तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में वर्णन आता है कि भगवान ब्रह्मा जी को ये चतुश्लोकी भागवतम बताते हैं। ब्रह्मा जी विस्तार करके नारद मुनि को भागवतम के 10 लक्षण, पुराणाम दश लक्षणम, भागवतम के 10 विषय बताते हैं और वही जो ज्ञान है नारद मुनि व्यासदेव को देते हैं सरस्वती के तट पे। सरस्वत्यास्तते नृप, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, हे राजन, वही ज्ञान नारद मुनि को जो ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ व्यासदेव को देते हैं, जो भगवान के ही शक्तावेश अवतार हैं और जो व्यासदेव सरस्वती के नदी पर बैठ के भगवान पे ध्यान कर रहे थे वहाँ पे पहुँच के नारद मुनि ये ज्ञान देते हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है भागवतम के ज्ञान को दूसरों को बांटना। परपोर्ट। In the fifth chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam, Narada instructed great sage Vyasadeva as follows. तो भागवतम के पहले स्कंद में पांचवा अध्याय में वर्णन आता है कि कैसे नारद मुनि व्यासदेव से मिलते हैं और उनको उपदेश देते हैं। अतो महाभागा भवान अमोघदृक् शुचिश्रव सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमास्या किला बंधमुक्तये समाधिनानुश्रम तद विचेष्टितम्। तो नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं, ओ ग्रेटली फॉर्चुनेट पायस फिलोसोफर, योर नेम एंड फेम आर यूनिवर्सल एंड यू आर फिक्स्ड इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ विद स्पॉटलेस कैरेक्टर एंड इनफैलिबल विजन। आई आस्क यू टू मेडिटेट अपॉन द एक्टिविटीज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हूज एक्टिविटीज आर अनपैरेलल्ड। तो नारद मुनि व्यासदेव का गुणगान करते हैं कि आपका भाग्य बहुत है, आप भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, तो इसलिए आपका जो नाम है, यश है, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, इसलिए आप भगवान का गुणगान कीजिए। भगवान के जो उरुक्रम, भगवान के जो अद्भुत कार्य हैं उनका वर्णन कीजिए। सो इन द डिसिप्लिन सक्सेशन ऑफ द ब्रह्म संप्रदाय
The practice of yoga meditation is not neglected. तो हमारे परंपरा में meditation, ध्यान करना, उसे हम दूर नहीं रहते, हम भी ध्यान करते हैं. But because the devotees are bhakti yogis, they do not undertake the trouble to meditate upon the impersonal Brahman. As indicated here, they meditate on Brahma Param or the Supreme Brahman. तो भक्त भी ध्यान करते हैं, पर हमारा ध्यान का विषय कृष्ण है. योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते योमाम समय युक्त तमोमत. जैसे कृष्ण गीता के छठे अध्याय ध्यान योग के अंत में बताते हैं, सबसे बड़ा योगी है जो उनके रूप के ऊपर ध्यान करता है. मन बना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु. ब्रह्मन रियलाइजेशंस बिगिंस फ्रॉम द इम्पर्सनल एफल्जेंस, बट बाय फर्दर प्रोग्रेस ऑफ सच मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम सोल परमात्मा रियलाइजेशन टेक्स प्लेस. तो हमने भागवतम के पहले स्कंद में देखा कि यह परम सत्य को जानने का अलग अलग स्तर है. पहला स्तर है ब्रह्मन का साक्षात्कार, इम्पर्सनल मेडिटेशन, जो निर्विशेष निराकार रूप पे ध्यान करना. उसके बाद परमात्मा का साक्षात्कार एंड प्रोग्रेसिंग फर्दर रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड इज फिक्स्ड. और ऐसा व्यक्ति योगी जब प्रगति करता रहता है तो वो एक स्तर पे आता है जब भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करता है. श्री नारद मुनि एज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ व्यासदेव न्यू वेरी वेल द पोजिशन ऑफ व्यासदेव एंड थस ही सर्टिफाइड द क्वालिटीज ऑफ श्रीला व्यासदेव एज फिक्स्ड इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ विद ग्रेट वाउ एक्सेट्रा. तो वर्णन आता है कि नारद मुनि व्यासदेव का गुणगान कर रहे हैं कि आपने आपका चित्त है फिक्स करके रखा है किसमें, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, निर्विशेष ब्रह्म में नहीं. नारद एडवाइस मेडिटेशन अपॉन द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड. इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को अनुग्रह करते हैं कि आप भगवान के रूप के ऊपर ध्यान कीजिए, भगवान के लीलाओं के ऊपर चिंतन कीजिए और उसका वर्णन कीजिए. इम्पर्सनल ब्रह्मन हैज नो एक्टिविटीज, बट द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैज मेनी एक्टिविटीज एंड ऑल सच एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल विदाउट एनी टेंज ऑफ मटीरियल क्वालिटी. तो अगर आपको लीला का स्मरण करना है, ब्रह्म ज्योति के लीला का क्या स्मरण करोगे? ब्रह्म ज्योति का कुछ लीला नहीं होता, कार्य नहीं होता. तो कार्य किसका होता है? भगवान का. तो इसलिए यहाँ पे जब नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं उरुक्रम कि आप भगवान के कार्यों के ऊपर चिंतन कीजिए और उसका वर्णन कीजिए, मतलब क्या है कि भगवान का रूप है, अगर भगवान का रूप नहीं है तो भगवान के कार्य कैसे होंगे. इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जो जन्म है और मेरा जो कर्म है दिव्य है, इट इज नॉट मंडेन, ये भौतिक नहीं है. इफ द एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम ब्रह्मन वो मटीरियल एक्टिविटीज, देन नारद वुड नॉट हैव एडवाइस व्यासदेव टू मेडिटेट अपॉन देम. तो अगर भगवान के कार्य भौतिक है तो नारद मुनि व्यासदेव को क्यों बोलेंगे कि भौतिक कार्य के ऊपर चिंतन करो, क्योंकि भगवान के लीलाएं और जो कार्य हैं दिव्य हैं. इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि आप उनमें चिंतन मनन करो और उसका वर्णन करो. एंड द परम ब्रह्म इज लॉर्ड कृष्णा हैज कन्फर्म्ड इन भगवद गीता. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है परम ब्रह्म, हे व्यासदेव आप परम ब्रह्म के ऊपर ध्यान करो. ये परम ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण है. तो गीता के 10वें अध्याय में वर्णन आता है इन द 10th चैप्टर ऑफ भगवद गीता व्हेन अर्जुना रियलाइज द फैक्चुअल पोजीशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा ही एड्रेस लॉर्ड कृष्णा इन द फॉलोइंग वर्ड्स. तो जब अर्जुन को साक्षात्कार होता है भगवान के बारे में कि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परम ब्रह्म है, तो अर्जुन ये शब्दों में भगवान का गुणगान करते हैं. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभो आहुस्वम ऋषय सर्वे देव ऋषि नारदस्तता असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रह्मीषमे. तो ये गीता का 10वां अध्याय 12वां श्लोक 13वां श्लोक. तो अर्जुन बताते हैं अर्जुना समराइज द पर्पस ऑफ भगवद गीता बाई रियलाइजेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड तस्से. तो ये गीता का सार है
परम ब्रह्म परम धाम. हे भगवान, आप परम ब्रह्म है, यू आर द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ. आप परम धाम है, आप यू आर द ओरिजिनल अबोर्ड. पुरुषम परमम भवाम, आप आदि पुरुष है. पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु, तो जितने भी देवता हैं उसके जो स्तोत्र हैं आप हैं. और मैं ये, सिर्फ ये मेरा मत नहीं है, आहुस्तम ऋषय सर्वे, जितने भी महान ऋषि हैं उन्होंने यही स्वीकार किया है. वो क्या है कि आप परम ब्रह्म हैं. देव ऋषि नारद स्तता असितो देवलो व्यासो, तो ये मेरा ही चिंतन नहीं है, मेरा ही साक्षात्कार नहीं है, पर नारद मुनि असित देवल व्यास हर एक व्यक्ति स्वीकार करता है कि परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है. इसलिए वही विश्वास नारद मुनि व्यासदेव को दे रहे हैं और बताते हैं कि आप कृष्ण के रूप का वर्णन करो. व्हेन व्यासदेव फिक्स्ड हिज माइंड इन मेडिटेशन ही डिड इट इन भक्ति योग ट्रांस एंड एक्चुअली सॉ द सुप्रीम पर्सन विद माया द इल्यूजरी एनर्जी इन कॉन्ट्रपोजिशन. तो हम देखते हैं कि जब व्यासदेव नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त करके भागवतम लिखने से पहले चिंतन करते हैं, भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, उनको भगवान का रूप दिखता है और भगवान माया के साथ, माया के शक्ति के साथ उनका दर्शन होता है. तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी भी तपस्या करते हैं. श्रील प्रभुपाद बहुत क्लियरली लिखते हैं ये साधारण योग का तपस्या नहीं है, भक्ति योग का तपस्या है. तो ऐसे ही व्यासदेव जब ध्यान कर रहे हैं, भक्ति योग में भगवान का ध्यान कर रहे हैं. एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर द लॉर्ड्स माया और इल्यूजन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन बिकॉज माया हैज नो एग्जिस्टेंस विदाउट द लॉर्ड. तो बहुत बार डिस्कशन हुआ है माया क्या है, माया का अस्तित्व भगवान पे है. जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं ये जो माया है भगवान की छाया है, राइट. तो जैसे एक व्यक्ति होता है और जो प्रतिबिंब है, छाया है, उसके साथ साथ चलता है, तो वैसे ही माया देवी जो है भगवान की शक्ति है, भगवान के अनुमति के अनुसार वो कार्य करती है. डार्कनेस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट. तो अंधकार का डेफिनेशन क्या है, अंधकार का डेफिनेशन है जहां रोशनी नहीं है वहां अंधकार. तो अंधकार को बिना रोशनी के उसको डेफिनेशन ही नहीं आता. तो वैसे माया क्या है, जहां पे कृष्ण नहीं है वहां पर माया है. तो माया को भी अपना जो अस्तित्व है भगवान पे ही निर्भर है. विदाउट लाइट वन नो वन कैन एक्सपीरियंस द कॉन्ट्रपोजिशन ऑफ डार्कनेस. तो बिना प्रकाश के अंधकार का मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश है इसलिए एक जगह होता है अंधकार जहां पे प्रकाश नहीं है. हाउएवर दिस माया और इल्यूजन cannot overcome the supreme personality of Godhead, but stands apart from him, अपर श्रयम. तो वर्णन आता है जब व्यासदेव को भगवान का दर्शन होता है, माया देवी का भी दर्शन होता है, पर माया देवी भगवान के पीछे खड़ी रहती है, हाँ, भगवान के साथ उनका संपर्क नहीं होता. तो भगवान कभी माया के अधीन नहीं हो सकते. Therefore, perfection of meditation is realization of the personality of Godhead along with his transcendental activities. तो ध्यान का सफलता, the perfection, सिद्धि क्या है, भगवान पे ध्यान करना, भगवान की लीलाओं पे, भगवान के नाम पे ध्यान करना. अगर कोई बोल रहा है मैं ध्यान करता हूँ, तो ध्यान का मतलब क्या है, ध्यान का एक रूप होना चाहिए, नहीं तो आप किसके ऊपर ध्यान कर रहे हो. अगर कोई रूप ही नहीं है ध्यान कर रहे हो तो कैसा होगा. कोई बोलेगा मैं हवे के ऊपर ध्यान कर रहा हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल. ध्यान मतलब एक रूप होता है. मेडिटेशन ऑन द इम्पर्सनल ब्रह्मन इज ट्रबलसम बिजनेस फॉर द मेडिटेटर एज कंफर्म्ड इन भगवद्गीता 12.5. क्लेशो अधिकार तेषाम अव्यक्त अव्यक्ता सक्त चेतसाम. तो कृष्ण गीता के 12वें अध्याय में बताते हैं जो अव्यक्त निर्विशेष निराकार ब्रह्म पे ध्यान करता है उसका जो मार्ग है पूरे कठिनाई से भरा है. कृष्ण गीता में बहुत क्लियरली बताते हैं जब अर्जुन 12वें अध्याय के शुरुआत में अर्जुन भगवान को पूछता है अब बताइए भक्ति योग श्रेष्ठ है, आपके रूप का कोई ध्यान कर रहा है वो श्रेष्ठ है, या निर्विशेष ब्रह्म का कोई उपासक है वो श्रेष्ठ है. तो भगवान क्लियरली बताते हैं जो मेरे भक्त हैं, मेरे रूप का ध्यान करते हैं वही श्रेष्ठ है.
टेक्स्ट 46 ये अंतिम श्लोक है ये अध्याय का। यत उताहं त्वया पृष्टो वैराजा पुरुषादिदं यताशित तत् उपाक्ष्यास्ते प्रश्नान् अन्यां च कृष्णः। व्हाट व्हाट यत व्हाट उता इस हाउएवर अहम आई त्वया बाय यू पृष्ट आई एम आस्क्ड वैराजात फ्रॉम द यूनिवर्सल फॉर्म पुरुषात फ्रॉम द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट इदम दिस वर्ल्ड यता एज इट आसित वॉस तत् दैट उपाख्यास्ते आई शैल एक्सप्लेन प्रश्नान ऑल द क्वेश्चंस अन्यान अदर्स च एज वेल एज कृष्णश इन ग्रेट डिटेल। ट्रांसलेशन ओ किंग योर क्वेश्चंस एज टू हाउ द यूनिवर्स बिकेम मैनिफेस्टेड from the gigantic form of the personality of Godhead as well as other questions I shall answer in detail by explanation of the four verses already mentioned। तो शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि परीक्षित महाराज आपने काफ़ी सारे प्रश्न पूछे हैं, ये सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, अलग अलग ब्रह्मांड कैसे बनते हैं और आपके जितने भी बाकी प्रश्न हैं। तो हमने देखा कि ये द प्रीवियस चैप्टर ये 9वां अध्याय है, 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, मैं वो सब प्रश्नों का विस्तार में उत्तर दूंगा। ये जो चतुश्लोकी भागवतम मैंने बताया है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका अर्थ समझाते हुए मैं बाकी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। परपोर्ट एज स्टेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम दिस ग्रेट ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर इज द राइपेंड फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ वैदिक नॉलेज and therefore all questions that can humanly be possibly regarding the universal affairs beginning from the creation are all answered in Srimad Bhagavatam। to Bhagavatam ke shuruaat mein hi aata hai nigama kalpataro galitam phalam, ye jo Bhagavatam hai ved ka, agar ved ek vriksh ki tarah hai Bhagavatam sabse meetha phal hai, sarva ved ek sat phalam, to agar ved ek पेड़ की तरह है सबसे मीठा पका हुआ फल भागवतम है, राइपंड फ्रूट। तो इसलिए जितने भी हमारे प्रश्न हैं ये दुनिया के बारे में, सृष्टि के बारे में, वो सब प्रश्नों का उत्तर भागवतम में है। इसलिए नेक्स्ट चैप्टर 10वां अध्याय जो ये स्कंद का आखिरी अध्याय है उसका शीर्षक है भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सबका उत्तर भागवतम में है। The answers depend only on the qualification of the person who explains them। तो प्रभुपाल लिख रहा है कि भागवतम में सब प्रश्नों का उत्तर है पर कोई देख सकता है, कोई समझ सकता है तो वो उत्तर ढूंढ के दिखा सकता है। So depends on the qualification of a person who explains them। तो अगर हम भागवतम में उत्तर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब शास्त्र में दोष नहीं है, हमको पता नहीं कहाँ ढूंढना है, हमारा अभी ज्ञान विकसित नहीं हुआ है, हमारा भक्ति अभी विकसित नहीं हुआ है। द 10 डिविजन्स ऑफ श्रीमद् भागवतम एज एक्सप्लेन्ड बाय द ग्रेट स्पीकर श्री सुखदेव गोस्वामी आर ऑल लिमिटेशंस आर द लिमिटेशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस एंड द इंटेलिजेंट पर्सन विल डिराइव ऑल इंटेलेक्चुअल बेनिफिट्स फ्रॉम देम बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो अगले अध्याय में पुराणाम दशलक्षणम, तो भागवतम के जो 10 मुख्य सब टॉपिक्स हैं उसका वर्णन आएगा। और प्रभुपाल लिख रहे हैं जितने भी हमारे प्रश्न हैं ये 10 विषयों में हमारा हमको उत्तर मिलेगा अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सो विद दिस इसके साथ ये 9वां अध्याय समाप्त होता है। थस एंड्स द भक्तिवेदांत परपोर्ट ऑफ द सेकेंड कैंटो 9th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम एंटाइटल्ड आंसर्स बाय साइटिंग द लॉर्ड्स वर्जन। तो इस तरह से ये दूसरे स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त होता है जहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी को उत्तर दे रहे हैं, चतुश्लोकी भागवतम का वर्णन है। सो थोड़े दिन बाद वी विल स्टार्ट द 10th चैप्टर 10वां अध्याय ये स्कंद का, भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। हरे कृष्णा।